हेलो जी, जय राम जी की। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है देर रात से, मतलब 10:30 बजे होंगे, करीब 10:30 बजे का टाइम है। बच्चों को सुला दिया था, खिला पिला के खुद ने भी खाना खा लिया था। उसके बाद में मैंने सोचा चलो पहले ही करेले काट कर रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे ये बनाने हैं, तो रात को ही काट कर रख देती हूँ। और इसमें नमक डाल कर रख देना है, क्योंकि इसका जो कड़वापन होता है ना, वो कड़वापन निकल जाएगा अगर हम 8-10 घंटे पहले, वैसे 4-5 घंटे पहले भी मैंने इस तरीके से नमक लगा कर रखा है, तो फिर कड़वापन चला गया है। लेकिन जब टाइम होता है तो रात को ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है कभी इमरजेंसी में तो ऐसा होता है कि 2-3 घंटे पहले नमक लगाना पड़ता है। लेकिन अब इमरजेंसी तो कोई है नहीं, और सुबह चाहिएंगे तो मैं अभी नमक लगा के रख दूँगी और सुबह बनाऊँगी जब बहुत अच्छे से ये बन जाएंगे। और शर्मा जी आए बीच में पंचायती करने के लिए, देख रहे होंगे आप बीच में आकर के, जब एक करेला बचाना, जब अपना रोल अदा किया है और आकर के कट किया है उसको, और फिर उसके बाद में ये रख देंगे, उनमें नमक लगा के मैं कर लूँगी पूरा प्लेटफॉर्म साफ। बच्चे सो चुके हैं, हमें सोना है। और शर्मा जी जो हैं, इनकी आदत है कि जब तक मैं काम कर रही हूँ ना, इनको चैन नहीं रहता, ये भी इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं। बीच में अपनी हेल्प जो होती ना, जो इनको देनी होती है वो ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पर बस मैं सारे बर्तन रात के क्लीन कर रही हूँ, और अब सिंक है और सर्दी भी नहीं है, तो मेरे कभी भी बर्तन नहीं छूटेंगे। मतलब मेरी हमेशा से ये आदत रही है, सर्दी गर्मी चाहे कोई भी मौसम हो, तो मैंने बर्तन कभी भी जूठे नहीं छोड़े, और छोड़ने भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, सर्दियों में जब तबीयत ख़राब थी या बीमार हो जाती थी, तो बाहर छत पे आकर साफ़ करना पड़ता था ना, तो कभी कभार वैसे रहा होगा, नहीं तो मैंने कभी भी बर्तन रात के नहीं छोड़े हैं। मैं पूरी किचन रात को ही समेट कर सोती हूँ, जिससे कि सुबह पहले जब मैं उठती हूँ ना, तो मुझे मेरी जो किचन है ना, वो पूरी साफ साफ मिलती है। तो अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, हम लोग सोए थे रात में यहीं पर। बच्चों ने काफ़ी ज़िद की कि पापा बाहर सोएंगे, बहुत दिन हो गए। तो फिर बस बच्चों के पापा जो है, उन्होंने लगा दी मच्छरदानी बाहर और सो गए यहीं पर। और मेरा चाय पानी हो चुका था, उसके बाद में मैंने कैमरा उठाया था, मैंने सोचा चलो अब अपना व्लॉग शुरू करते हैं। मैं बाहर बैठकर मैंने अपनी चाय वगैरह पी थी, फिर मैंने ये दोबारा से अंदर आई हूँ, तो लाइट जलाई है, चाय का पतीला रखते हैं सिंक के अंदर, और अपना जो काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो उसके लिए तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी, टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ेगा। और ये करेले जो काट कर रखे थे, ये तैयार हो चुके हैं, तो अब इनको धो कर के इनकी सब्जी बनाने वाली हूँ। और ये डोसे का बैटर जो रात को बचा था, मैंने बचाया था कि टिफ़िन में भेज दूँगी, क्योंकि दोनों ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा कि बच्चे सुकून से और खुश होकर खा के आएंगे। लेकिन ये बनाऊँगी बाद में, फ्रिज से निकाल के रख दिया है, अभी मैं पहले झाड़ू लगाऊँगी। तो मेरी अंदर से झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है, अभी मैं लगा रही हूँ बाहर से। अंदर मैंने कैमरा वैमरा नहीं लगाया, बस मैंने किचन की झाड़ू लगाई। और मेरा यही रहता है कि सबसे पहले मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद में ना, एक पॉजिटिविटी से अंदर फील होती है, और साफ साफ जैसे लगता है किचन। बेडरूम में मैं हालांकि छोड़ देती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे काम ज़्यादा है, बेडरूम में मैं बच्चों के जाने के बाद लगाती हूँ, लेकिन किचन में मेरी पहले लग जाती है, जहाँ से मेरा काम शुरू होता है, मतलब वहाँ पर लग जाती है। और जब एक रूम के अंदर ही किचन था, जब तो सारे में ही लगा देती थी, तो यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दी है। और रात को भी मैं लगा के सोई थी, मतलब रात को नहीं, शाम को 5 बजे मैंने लगाई थी इधर से। इस एरिया में ना मिट्टी बहुत हो जाती है, आंधी चलती है ना उसके कारण। और अब मैं आती हूँ टॉपिक पर। देखिए, मेरे पास, मैं ये नहीं कहती कि आप नेगेटिव कॉमेंट ना करें, जहाँ गलत हो वहाँ पर करें, लेकिन अब तो पता है कैसा फील होने लग गया कि यूट्यूब पर आने के बाद में सिवाय बदनामी के और झूठी बताया गया, बूढ़ी बताया गया, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब आकर के ना ऐसा लगने लग गया कि बस पूछो ही मत, मतलब मानसिक स्थिति इंसान की देखो तो कैसी हो जाती है जब इस तरीके से लोग करते हैं। अब किसी की लाइफ में अगर स्ट्रगल ज़्यादा रहा है या ज़्यादा टेंशनें आती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है। आज मैंने इतने कमेंट्स रीड किए, अब मैंने कहा कि घर सेल हो रहा है, मतलब वो हकीकत में हो रहा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप लोगों को जो इस टाइप की बातें कर रहे हैं कि झूठ है, व्यूज के लिए ड्रामा है, उन लोगों को कहना चाहूँगी कि क्या क्या झूठ बताओगे आप लोग, मतलब लाइफ का ये पहलू जो अभी 2 साल से आप देख रहे हो, इसको झूठ बताओगे या पीछे जो गुजर गया उसको भी झूठ बताओगे? मेरी तो लाइफ ही पूरी स्ट्रगल भरी रही है, लाइफ में पता नहीं कहाँ कुछ किस तरीके से किया है। मैं तो, आप जिस तरीके से मुझे अब देखते हो,
जिस तरीके का मेरे परिवार देखते हो, मेरा लाइफस्टाइल, मेरे परिवार का, मेरे मायके का देखते हो, आपको बिल्कुल बिलीव नहीं होगा। अगर मैं कहूँगी तो आप लोग बोलोगे झूठ बोलती है। हम लोग मतलब जो मेरा भाई अभी डॉक्टर का नाम, उसके मतलब उसके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगी है, डॉक्टर बन गया वो। और वो ही भाई एक टाइम ऐसा था, मतलब मेरा ही भाई है, वो भी मेरे से छोटा है, और हम लोग सारे मतलब एक ही घर में रहे हैं, तो उसी स्ट्रगल पीरियड में हम लोग साथ थे। तो वहाँ हम लोगों ने वो टाइम भी फेस किया है जिसमें हम लोग एक गोदाम में मूंगफलियों के कट्टे रहते थे, मूंगफलियाँ चुग कर आते थे, 20 रुपये मिलते थे एक बोरी के, ठीक है। मेरी मम्मी ने सिलाई की है, हमने वो स्ट्रगल का टाइम फेस किया है जिसको भी आप झूठ बोलोगे। अब लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, अगर मैं यूट्यूब पर हूँ, वो यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ, तो इसका मतलब वो झूठ है। अगर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक टाइम पर बिगड़ जाती है, हम दोनों की बात कोई बिगड़ जाती है, मैंने ये तो नहीं किया, मैंने तो हर एक वीडियो में मेरी में बोला था कि हाँ मैं जाऊँगी कुछ टाइम के लिए, मैं मेरे मायके आई हूँ। आज मैंने कमेंट्स में ये चीज़ भी पढ़ी कि मायके जाने का ड्रामा, अब घर बेचने का ड्रामा। यार आप दूसरे की लाइफ को इतना ड्रामा क्यों बताते हो? मतलब सोच कर देखिए कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती नहीं है? प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जब खुशियाँ आती हैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, उनको तो आप ड्रामा नहीं बताते। आज एक बात सोचिए, मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो डाला, मैंने यही चीज़ आप जो नोटिस की, मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो डाला कि मैंने लाखों की ज्वेलरी खरीदी है, और मैंने अभी तक उसका कोई प्रूफ भी नहीं दिया, लेकिन सब ने मान लिया, वो खुशी की बात थी, सबको यकीन हो गया कि हाँ भाई खरीदी होगी। लेकिन आज एक ऐसी कंडीशन जो कि हाँ उसको भी फेस कर रहे हैं, घर सेल हो रहा है, उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, वो झूठ है, वो ड्रामा है। अब वो ज्वेलरी जो मैंने खरीदी थी उसका मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया है, मैं दूंगी उसका प्रूफ, मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है लेकिन मैंने अभी शेयर नहीं किया है क्योंकि मेरे बाकी व्लॉग्स ही एक्स्ट्रा चल रहे हैं। वो ज्वेलरी का प्रूफ भी मैं दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ कहने के लिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि 4 दिन हो गए वो चीज़ें मैंने शेयर किए हुए, लेकिन आज तक एक कॉमेंट मैंने नहीं देखा जहाँ पर आप लोगों ने बोला हो, जो कि नेगेटिव कॉमेंट करते हैं उन्होंने, कि आप झूठ बोल रहे हो। यार हद होती है झूठ बोलने की, ड्रामे की। तभी मैं कह रही हूँ कि YouTube पर आकर क्या कुछ मिला, झूठी कहा और बदमाश कहा, बहुत सारी मतलब होता है ना कि एक टाइप से इतनी बदनामी मिली, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, एक इंसान काम क्यों करता है? एक इंसान काम इसलिए करता है कि उसे अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज चाहिए, उसको अर्न करना है, उसको काम करना है, उसको मेहनत करनी है, उसको कमाना है। ये दुनिया पैसे से चलती है और पैसा कमाने के लिए इंसान मेहनत करता है, और वही मैं कर रही हूँ। बस मेरा काम ये है कि मेरा यूट्यूब पर है और मैं अकेली व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। आप सोच कर देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं। मैंने पहले खुद से स्टार्ट नहीं किया, मत मैंने लोगों को देखा करते हुए, उसके बाद मैंने शुरू किया कि ये भी एक काम है जो कि मैं बच्चों के साथ रह करके मेरा घर संभालते हुए मैं कर सकती हूँ, और इसमें मेहनत की है। यार टिफ़िन सेंटर चलाया, आप लोग तो उसको भी ड्रामा बोलोगे? ड्रामा किस किस चीज़ को बोलोगे आप? टिफ़िन सेंटर, एक लेडीज़ जो MA पास है, अच्छे खासे घर से है, अच्छे खासा उसका ससुराल है, और उसके हस्बैंड भी मतलब वो है ना अच्छी खासी पोस्ट पे थे, और दोनों मियाँ बीवी मिलकर के झूठे बर्तन धोते हैं, टिफ़िन सेंटर चलाते हैं और ख़ुद से खाना बनाते हैं। आपने टिफ़िन सेंटर देखे होंगे लेकिन वहाँ पर हेल्पर देखे होंगे, हमारे यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं था। बाद में एक दीदी जो है उनको मैंने हायर किया था क्योंकि काम बढ़ गया था, स्टार्टिंग हम दोनों ने ही की थी, और जिस कंडीशन में की थी वो वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़े हैं, आप देख लेना क्या क्या ड्रामा बताओगे आप। हर एक चीज़ ड्रामा है क्या? हर एक चीज़ मतलब एक पूरे घर परिवार पूरा बसा बसाया छोड़कर एक इंसान दूसरी जगह जाएगा तो वो ड्रामा होगा? मतलब यूट्यूब के लिए इंसान अपना पूरा घर छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, ये भी ड्रामा होगा? थोड़ा सा सोच लिया करो। जब मैं मेरे ससुराल से मैंने बोला था कि हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तब भी ड्रामा था। थोड़ा सा तो सोचो, दूसरे की ज़िंदगी को ड्रामा बताने से पहले ये सोच लिया करो कि ड्रामा कुछ नहीं होता, जिस इंसान की कंडीशन जैसी है वो वैसी ही बताएगा ना। ज़बरदस्ती तो मैं यहाँ पर कहूँगी नहीं कि हाँ भाई बहुत ही बहुत खुश हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। चलो कोई बात नहीं, आज बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट थी कई चीज़ों से। मेरे कपड़ों के ऊपर भी बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, मैं वही पहनती हूँ जो मेरे पास है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरे कोई भी आप लोग देखते हो शॉपिंग के व्लॉग जो देखते हो, उनमें अगर कोई स्पॉन्सर वीडियो होगा तो होगा, नहीं उसके अलावा मेरी शॉपिंग में होता क्या है? आपने देखा है कभी? सब्जी होती है, किराने का सामान होता है, उसके अलावा हमारी शॉपिंग में क्या होता है? मेरी और शर्मा जी की में
हमने दिखाया कभी कि हाँ हमने 4,000 के कपड़े ले लिए या 10,000 के ले लिए या जूते ले लिए या ये ले लिया वो ले लिया बच्चों के ले लिए, कुछ भी देखा आप लोगों ने मेरे चैनल पे? कुछ भी आपको मिल जाए तो बताना। हम दुनिया कमाती होगी यूट्यूब से लाखों, लेकिन अपना तो सिर्फ गुजारा होता है, ठीक है, और उसके साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है हम उसको सेव करते हैं, हम फालतू चीज़ों में नहीं उड़ाते। हमारा जो जैसा है वैसे में ही हम लोग सेट होने की कोशिश करते हैं। और मेरे से नहीं होती यार फिजूल खर्ची या ताम झाम। साड़ियाँ हैं बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे से रोज़ नहीं पहनी जाती। बाकी जो भी है आप लोगों के सामने है। अब रही आप लोगों के ये जो ड्रामे वाले जो कॉमेंट्स आ रहे हैं, नाटक वाले जो कॉमेंट्स आ रहे हैं, आते रहें। मैं YouTube पर वीडियो बनाती हूँ, मैं बनाती रहूँगी, क्योंकि मुझे इससे मेरी फैमिली को चलाने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो चलिए फिर, इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा बातें आप लोगों से की हैं, जो मेरे मन में जो था वो मैंने सारा सब कुछ उगल दिया। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल